बच्चों का आंगन, शीर्षक आत्मशक्ति का बोध, लेखन श्रीमती मिताली सिंह बिलासपुर। यह घटना कक्षा चौथी में पढ़ने वाली 9 वर्षीय हेमा प्रिया की है। जब आतंकवादी उनके घर में घुस आए, तब इस बच्ची ने किस तरह उन आतंकवादियों का सामना किया। उनकी माँ पद्मावती, बहने ऋषिता और अवंतिका है। यह कहानी फरवरी 2018 की है, जब ये जम्मू में थे। उनके पिता फौज में हैं। रात को उनकी माँ और दोनों बहनें सो रही थीं। उनके घर से 1 किलोमीटर दूर गन शूट का अभ्यास होता था। उससे भी तेज तेज बम की आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई बिल्डिंग फट रही है। तब उनकी माँ उठ गई। मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन शयन कक्ष का दरवाजा खुला था। थोड़ी हलचल मच गई, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होने लगा। तभी पड़ोसी की आवाज आ रही थी। तब उनकी माँ ने दरवाजा खोल दिया और उनसे पूछा, भैया क्या हुआ? तभी कैंट का अलार्म बजा। पड़ोसी से पूछने पर पता चला, सच में भवन में कोई घुस गया है। तभी उनकी माँ अंदर जाकर चाबी और ताला लेकर आती है और पड़ोसी से बंद करने को कहती है, पर उन्होंने नहीं लगाया। और तब पद्मावती ने अपने मकान का ऊपर और नीचे का दरवाजा बंद कर लिया। फिर उन्होंने सोचा, ऊपर जाकर अपने बच्चों के साथ दरवाजा बंद कर लेंगे, पर इससे पहले ही आतंकवादी उनके घर में घुस आए। माँ और दोनों बच्चों ने हाथ से दबाकर दरवाजा बंद करके रखा। उन्होंने अपने साथ मिर्च पाउडर रखा और वे अपना दरवाजा हाथ से दबाकर बंद रखा। 2 से 3 मिनट के बाद नीचे वाली चाची और उनके बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी। फिर बहुत तेज तेज उनके नीचे और आजू बाजू वालों के दरवाजा तोड़ने की आवाजें आने लगी। 1 मिनट के बाद हेमा प्रिया का भी दरवाजा आतंकवादी तोड़ने लगे। एक दूसरा दरवाजा रुक रुक कर तोड़ने लगा। 5 घंटे तक माँ और उनकी बेटी हेमा प्रिया ने हाथों से दरवाजा को पकड़ रखा था। आतंकवादी को लगा कि अंदर हेमा प्रिया के पापा हैं। तभी दरवाजे के छोटे से गैप से आतंकवादी ने ग्रेनाइट अंदर फेंका। बम तो बाहर रह गया, पर बम की चिंगारी दरवाजे के छिद्र से अंदर चला गया, जहां आतंकवादी ने गन रखा था। वहां हेमा प्रिया का मुंह था, पर उनकी माँ ने तुरंत उसे जैसे ही किनारे किया, वैसे ही उनकी माँ के हाथ में लग गया। ग्रेनाइट का टुकड़ा उनके माँ के हाथ में घुस गया, जिससे पूरी तरह से हाथ को नुकसान पहुंचा। एक उंगली और नख पूरा खराब हो गया। हाथ काम करना बंद कर दिया। कलाई की हड्डी टूट गई। पूरे 5 घंटे दरवाजा बहादुरी के साथ हाथ के सहारे बंद कर रखा था। आतंकवादी घर में घुसकर किचन से घर का सारा सामान उलट पलट कर दिए। चोट लगने के बाद भी माँ होश में थी, थोड़ी थोड़ी बेहोशी थी। 5 बजे आतंकवाद आए थे। 5:30 बजे माँ को चोट लगी थी। 5:30 से 10 बजे तक बेहोश नहीं हुई थी। हाथ से लगातार खून बह रहा था, बिल्कुल पानी की तरह। हेमा प्रिया को भी एक हाथ में चोट लगी थी। हाथ काम नहीं कर रहा था। बहन सो रही थी। अंधेरा होने के कारण हाथ में कुछ बांध भी नहीं पाई तथा दर्द से चिल्ला भी नहीं पा रही थी, क्योंकि माँ के साथ उनके हाथ में भी ग्रेनाइट की चिंगारी लगी थी।
तथा दूसरे हाथ से दरवाजा को बंद कर रखा था। 9 से 9:30 बजे तक हेमाप्रिया की सबसे छोटी बहन अवंतिका ने दरवाजा खोल दिया। उसे लगा उसके पापा आए हैं। तभी हेमाप्रिया आतंकवादी के पैर पकड़कर रोने लगी और उनकी माँ को अस्पताल ले जाने के लिए प्रार्थना करने लगी। माँ की बेहोशी जैसी अवस्था थी। वे थोड़ा थोड़ा सुन पा रही थी पर बात नहीं कर पा रही थी। इधर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए हेमाप्रिया आतंकवादी से बातें करने लगी। उसने पूछा, आप भारत के हो या पाकिस्तान से? आतंकवादी बोला, पाकिस्तान के। तब हेमाप्रिया ने पूछा, क्या मिला है लोगों को मारकर? आतंकवादी, ताकत मिलती है। हेमा, आप किसको मारने आए हो? आतंकवादी, हम हिंदू मुस्लिम को मारने आए हैं। हेमा, क्यों ऐसा करते हो? आतंकवादी, हमें कश्मीर चाहिए जो फौजी दे नहीं रहे हैं, इसीलिए हम उन्हें मारने आए हैं। सभी परिवार के पिता को मार दिया था। हेमा ने अपनी माँ को 4-5 लीटर पानी पिलाया, तब भी उनको प्यास लग रही थी। हेमा की छोटी बहनों ने अपने माँ को सोने नहीं दिया, जगा कर रखा और आतंकवादी से लड़कर उन्हें पकड़वा दिया। प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार 2022 से हेमा को सम्मानित किया गया। हेमा का जीवन बच्चों को संकट के समय हिम्मत, साहस, बहादुरी तथा समझ बूझ से विकट समस्या का समाधान करने की प्रेरणा देती है।